हमारा भी ये फर्ज है कि जो आदमी हम पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि राम मंदिर का आप बात कीजिए तो पिछले 500 वर्ष से हिंदू में अगर एक राम मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया भाई। देखिए राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया ठीक है, तो कोर्ट ये कोर्ट पिछले 100 वर्ष में भी या फिर जब से देश आजाद हुआ तब से भी ये कोर्ट था। योगी जी ने किया कि नहीं, योगी जी ने किया कि नहीं? बिल्कुल किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट के लिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, वो वैकेंसीज हैं वो बिल्कुल उस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। योगी जी के हर काम से या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हर काम से या धर्म के काम से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो हिंदू का बिल्कुल ये होना चाहिए। हम लोग लेके चलते हैं बिल्कुल सच्चाई है कि नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज आप देख सकते हैं ये नेहरू विहार का एरिया है जो मुखर्जी नगर के आसपास का है। आप देख सकते हैं नॉर्थ कैंपस के एरिया में बच्चे यहाँ पे तैयारी भी करते हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आ गया है, तो इस चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश बिहार हर राज्य से रहने वाले बच्चे यहाँ पर रहते हैं, तो इनसे हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर यहाँ का यूथ क्या सोचता है। कहाँ से आप सर? मैं यूपी से ही हूँ। अच्छा, यूपी कहाँ से? बागपत। बागपत बिल्कुल वेस्टर्न यूपी से हैं, तो आजकल वेस्टर्न यूपी में तो बहुत धमाल मचा हुआ है क्योंकि जब से किसान आंदोलन चला है तब से। बिल्कुल हाँ जी। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव इस पे इसका कोई फर्क रहेगा क्या? देखो जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव का तो मैं कह नहीं सकता, पर यूपी में तो माहौल बदल रहा है, मतलब इस वेस्ट यूपी में तो माहौल बदला हुआ है। अच्छा, क्या लगता है आपको कौन किसान संगठन यहाँ हैवी मतलब हावी है? हावी है। यस, आज एक खबर आई है कि योगी आदित्यनाथ भी गाजियाबाद से शायद लड़ने वाले हैं, अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई है, लेकिन आज सुबह खबर आई है कि योगी आदित्यनाथ जी इधर आने वाले हैं। नहीं, लड़ने वाला तो ये तो खैर नेक्स्ट बताएगा टाइम जब आएगा, लेकिन मैं तो फिलहाल की बता रहा हूँ। जैसे कि हमारे जो बुजुर्ग हैं जो मतलब साथ खड़े हुए हैं ज़्यादा, मतलब किसान संगठन जो है यहाँ ज़्यादा हावी है, बस बीजेपी से नाराज़ है कुल मिला के। हाँ, थोड़ी नाराज़गी है ये। तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, आपको लगता है कि यहाँ से बदलाव की आंधी चलेगी? हाँ, शायद वो टाइम बताएगा, पहले तो भाई कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद तो यही है। अच्छा, कि बदलाव हो सकता है, मतलब यहाँ से हो सकता है वेस्ट यूपी से। आप यूथ हैं, आप यूथ हैं, आप क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश का यूथ क्या चाहता है? उत्तर प्रदेश में बदलाव या दोबारा योगी आदित्यनाथ? भाई इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, भाई बताएंगे, क्योंकि इस बारे में तो कुछ कहना अभी सही नहीं होगा ना, रिजल्ट ही बताएगा, इसमें तो हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। मूड बनाएंगे जी। हार या जीत कुछ नहीं होती। हाँ ठीक है, वो तो आदि की मतलब इंसान की आइडियोलॉजी है, जिसकी आइडियोलॉजी लोगों को पसंद आएगी वो जीतेगा। ठीक है, लोग बस ये देखते हैं कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, आदमी को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, अच्छा अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, जो भी पार्टी इस काम को करेगी वो आराम से जीत जाएगी। ठीक है, जीत मैं फिर भी करूँ, जीत हार नहीं। हाँ। बस ये संवैधानिक चीज़ है, उसमें जीत हार होती नहीं है, बस है लोग पसंद करते हैं वो आ जाता है और दूसरी पार्टी थोड़ी कम वोटों से रह जाती है। आइडियोलॉजी की जीत होती है, बस यही है। पिछले जो 5 साल रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरे होने वाले, 2-3 महीने बचे हुए हैं, मार्च में पूरे हो जाएंगे, तो जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसके कामकाज से आप लोग खुश हैं या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? एक्चुअली क्या, मेरा माइंड हो जो ना, मेरा जो माइंड सेट है, हर इंसान का माइंड सेट है। माइंड सेट में क्या है, अगर आप सपा से हो तो आपका माइंड सेट है पहले से कि आप जाओगे साइकिल में ही वोट डालोगे। मैं हूँ, ठीक है, मैं जिस कॉलेज से मेरी स्टडी हुई है वहाँ से आरएसएस से, तो मेरी आइडियोलॉजी सेट है कि मेरे बीजेपी। ठीक है, और ऐसा बात नहीं अंधभक्त, नहीं अंधभक्त वाली बात नहीं है, लेकिन क्या है कि अभी यूपी में है क्या, एक्चुअली कि यूपी में लोग अवेयर इतने हैं नहीं है। ठीक है, 8-10 सालों से जो पार्टियाँ रही उनका पता कुछ है नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही बना रखा है। ठीक है, लेकिन अब आने के बाद पता क्या है कि थोड़ी सी आइडियोलॉजी लोगों की चेंज हो रही है, और कुछ हो ना हो सरकार का आने का मतलब ये होता है सरकार सबको पैसा देगी। सरकार का मतलब होता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेगी, चाहे वो मेडिकल का हो चाहे कॉलेज। योगी जी ने किया कि नहीं? योगी जी ने किया कि नहीं? बिल्कुल किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ। लेकिन स्टूडेंट के लिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, वो वैकेंसीज हैं वो बिल्कुल उस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अगर वैकेंसी नहीं आएंगी तो स्टूडेंट के लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि एग्जाम वो वैकेंसीज आए और हम लोग सिलेक्ट हो उसमें। अगर वैकेंसी नहीं दोगे आप, चीज़ें और जो चीज़ें हैं वो सही करते रहो, बाकी मान लो किसानों के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल है, वो सब चीज़ें सही करते रहो, लेकिन स्टूडेंट का भी ध्यान रखो आप। ठीक है, अगर आप उसके साथ ऐसे करोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप स्टूडेंट समझ सकते हो आप। और यहाँ पे मुखर्जी नगर में ऐसा नहीं, दिल्ली से पूरी यूपी से बिहार से ही है। ठीक है, तो यहाँ का जो आप यहाँ पे आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ का चुनाव क्या रहे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब बदलाव हो सकता है या कुछ दोबारा रिपीट? मुझे लगता है कि वही हार जीत होती नहीं है,
कोई हार जीत नहीं इसमें, सिर्फ जिसकी आइडियोलॉजी लोग पसंद करेंगे वही आएगा, ठीक है। हाँ, चुनाव में कोई हार जीत नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी दोबारा आना चाहिए, लेकिन भाई समझता है कि बदलाव होने चाहिए, दूसरी पार्टी आनी चाहिए, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें सही लगी हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें दोबारा से रिपीट होनी चाहिए। आप कहाँ से? आप कहाँ से? जी मैं बिहार से हूँ। मैं अच्छा, आपको क्या लगता है, कहीं से भी हो लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार का चुनाव पूरे देश को प्रभावित करता है, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता आता है, तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे दिल्ली हैं, बिल्कुल नज़दीक उत्तर प्रदेश से लगा हुआ ये बॉर्डर का एरिया है, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में काम ठीक ठाक हुआ है? उत्तर प्रदेश के काम से मैं बहुत खुश हूँ, और जो महाराज जी वहाँ काम कर रहे हैं वो एक तरह से देखा जाए तो विकास के राह पर यूपी बहुत तेज गति से चल चुका है, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर वैश्विक स्तर पर भी देखा जाए तो यूपी की एक अलग पहचान हुई है, क्योंकि ये बड़ी बात होती है कि एक देश के अंदर किसी राज्य की एक विश्व स्तर पहचान हो, एक योगी की पहचान पूरे वर्ल्ड में ऐसे हो चुकी हुई है जैसे आप किसी वर्ल्ड की एक नेता की होती है। आप अगर चाइना में देखते हैं तो स्पेशल जो उनका मीडिया है उसमें योगी के नाम आता है, तो इसे हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही सारा वर्चस्व है, और काम अच्छा होता है तब सारी जो दुनिया के लोग हैं उनका आँख आप पे पड़ता है, वरना ऐसे आप कोई आँख में ऐसे आ नहीं सकते हैं जल्दी। लेकिन योगी के काम से जो काम वहाँ कर रहे हैं, या फिर लोग को लगता होगा कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि विकास कम और हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मेरे अनुसार से अगर देखा जाए तो भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, तो अगर कोई में गलती है तो उसको उजागर करने में क्या जाता है भाई? अगर हम हिंदू हैं यहाँ पर स्टडी करने, हम भी यहाँ यूपीएससी का प्रिपरेशन हम भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामाजिक स्तर पर जो काम कर रहा है उसको हम छोड़ देंगे। अगर कोई समुदाय, कोई समाज अगर हमारे लिए अगर हानिकारक है तो खुल के बोलना चाहिए। तो मैं योगी जी के हर काम से, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हर काम से, या धर्म के काम से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू का बिल्कुल ये होना चाहिए, हम लोग लेके चलते हैं बिल्कुल सच्चाई है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं जी। वो अपना मजहब अपना धर्म कुछ भी लेकर चलें, तो हमारा भी ये फर्ज है कि जो आदमी हम पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि राम मंदिर का ही आप बात कीजिए तो पिछले 500 वर्ष से हिंदू में अगर एक राम मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया भाई। देखिए राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया ठीक है, तो कोर्ट ये कोर्ट पिछले 100 वर्ष में भी, या फिर जब से देश आजाद हुआ तब से भी ये कोर्ट था। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सरकारी कोर्ट चला रही है, यही जुडिशरी में, सुनो जुडिशरी में गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, प्रैक्टिकल लेवल पे है या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बुक्स में ऐसा कहीं नहीं है, जुडिशरी एक फ्री बॉडी है ठीक है, और ऐसा नहीं हम ये यहाँ पे नहीं बोलेंगे जुडिशरी के अंडर सेंटर गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाती है, ऐसा नहीं है ठीक है, जुडिशरी फ्री है और लेकिन अभी आपने देखा काशी कॉरिडोर का भी उद्घाटन हुआ जी, हाँ बिल्कुल देखा। विपक्ष बोल रहा है कि मंदिर और मस्जिद बनवा के देश नहीं चलेगा, देश को चाहिए रोजगार शिक्षा चाहिए, इस पे आपका क्या कहना? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, रोजगार चाहिए, और जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, बीजेपी में उत्तर प्रदेश से हूँ और कहीं से नहीं हूँ, खास करके बनारस के बगल डिस्ट्रिक्ट है मेरा। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा था जितना रोजगार देने के लिए, वो रोजगार नहीं दिया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो केवल प्रोपेगेंडा फैलाया गया। अच्छा, जो राज्य सरकार, मुझे नहीं लगता योगी जी कोई बहुत बड़ा काम किए हों, और मुझे जो लगता है वो ये है कि अभी जो चल रहा है वो केंद्र के ही काम को राज्य भी गिना रही है।